सब्सक्राइब कीजिए लर्न बेसिक्स को और बेल आइकन को दबाइए कुछ नया सीखने के लिए। तो फ्रेंड्स एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है, मैं हूं विश्व। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि गूगल क्रोम में डाउनलोड फोल्डर की लोकेशन कैसे चेंज करते हैं। होता क्या है, जब हम गूगल क्रोम पे कुछ डाउनलोड करते हैं तो वो जा करके किसी पर्टिकुलर फोल्डर में सेव हो जाता है, तो कभी कभी उस फोल्डर को ढूंढना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो अब अगर हम ये चाहते हैं कि मान लीजिए हमने डेस्कटॉप पर एक फोल्डर बनाया है, अब हम गूगल क्रोम पे जो भी डाउनलोड करें वो जा करके हमारे बनाए हुए डेस्कटॉप के उस फोल्डर में सेव हो जाए, तो ये हम कैसे करेंगे आज के इस वीडियो में जानेंगे। गूगल क्रोम पर इससे पहले कई इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं कवर कर चुका हूं, नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दिया है, वहां से जाकर के आप वो वीडियोस देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले मैं आपको वो फोल्डर दिखा देता हूं जो मैंने यहां पर ऐड करने के लिए बनाया है डेस्कटॉप पर, ठीक है। तो फिलहाल इसको मिनिमाइज करते हैं और देखिए ये रहा हमारा वो फोल्डर जो हमने डेस्कटॉप पे बनाया हुआ है, ठीक है, क्रोम नाम से। ठीक, इसी फोल्डर को हम ऐड करेंगे गूगल क्रोम में। तो वापस से गूगल क्रोम ओपन कर लेते हैं और सबसे पहले हमें जाना है राइट हैंड साइड में, देखिए थ्री डॉट आपको यहां पर मिल रहा है, इस पर क्लिक कर दीजिए तो नीचे आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे, हमको जाना है सेटिंग में। ठीक, ये रही सेटिंग, सेटिंग पे क्लिक करिए तो सेटिंग का पेज देखिए ओपन हो गया। लेफ्ट हैंड साइड में आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे, हमको जाना है डिफॉल्ट ब्राउजर पे, ये रहा डिफॉल्ट ब्राउजर, इस पर क्लिक कर दीजिए। तो जब आप डिफॉल्ट ब्राउजर पे क्लिक करेंगे तो राइट हैंड साइड में आपको कई सारे ऑप्शन मिलेंगे, हमको क्लिक करना है एडवांस पे, ठीक है, ये रहा एडवांस। जैसे ही आप एडवांस पर क्लिक करेंगे तो नीचे फिर आपको और भी कई सारे ऑप्शन मिलेंगे, यहां से स्क्रॉल डाउन करिए और ये रहा डाउनलोड का ऑप्शन, डाउनलोड्स का ऑप्शन। ठीक, अब यहां पर देखिए फिलहाल लोकेशन दिखा रहा है सी ड्राइव, ठीक है, अब इसको हम चेंज करेंगे। तो चेंज करने के लिए हमको जाना है, ये देखिए चेंज आइकॉन बगल में यहां पर दिख रहा है, ठीक है, इस पर क्लिक कर दीजिए। तो जैसे ही आप चेंज पे क्लिक करेंगे एक छोटा सा विंडो ओपन हो जाएगा। अब आपसे ये पूछेगा कि आप कौन से फोल्डर की लोकेशन देना चाहते हैं, तो यहां पर हम डेस्कटॉप पे क्लिक कर देते हैं, ठीक है, ये रहा डेस्कटॉप, इस पर हमने क्लिक कर दिया। अब जैसे ही हमने इस पर क्लिक किया तो ये सारे फोल्डर्स का ऑप्शन दे रहा है, तो ये देखिए ये रहा क्रोम का वो फोल्डर जो हमने डेस्कटॉप पे बनाया है, बस इस पर क्लिक करिए और यहाँ नीचे सेलेक्ट फोल्डर के ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिए। तो जैसे ही आप सेलेक्ट फोल्डर के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए यहाँ पर ये डेस्कटॉप और क्रोम आपका यहाँ पर ऐड हो गया, ठीक, बस इतना ही करना है। अब जो भी आप डाउनलोड करेंगे वो जा करके डेस्कटॉप के उसी फोल्डर में सेव हो जाएगा, ठीक है,